तो सबसे पहले आप लोग लिखने वाला आज काम कंप्लीट कर लो, लिख लेते हैं पहले, फिर हम लोग समझेंगे। ठीक है, लिखने का काम कंप्लीट करते हैं। लिखना स्टार्ट करेंगे आप लोग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैन मेंटेन, पार्टनर्स कैन मेंटेन, देयर कैन मेंटेन, सॉरी, देयर कैपिटल अकाउंट, देयर कैपिटल अकाउंट इन टू वेज, इन टू वेज। द फर्स्ट वन इज फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, एंड सेकेंड वन इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। नाउ व्हाट इज फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, और आई शुड नॉट राइट फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, आई शुड राइट फिक्स कैपिटल अकाउंट। व्हाट इज फिक्स कैपिटल अकाउंट? वी विल लेटर ऑन डिस्कस व्हाट इज फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। व्हाट इज फिक्स कैपिटल? फिक्स कैपिटल रेफर्स टू, फिक्स कैपिटल रेफर्स टू कैपिटल विच रिमेन्स सेम, विच रिमेन्स सेम थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द ईयर। इट ओनली चेंजेस, इट ओनली चेंजेस, इट ओनली चेंजेस when any additional capital is made, when any additional capital is brought, or any capital drawing is made, capital drawing is format, format पहले कॉपी करने वाला काम कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग समझेंगे कंसेप्ट क्या होता है। पार्टनरशिप, फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कब कब यूज करती है, कैसे कैसे इसकी अकाउंटिंग होती है। फॉर्मेट है ये हमारे पास कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, ए बी, ए बी पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स
यहाँ पर आता है हमारे पास बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी, ठीक है, बाय बैंक यहाँ पे लिख लेंगे ओपनिंग कैपिटल, यहाँ पे लिख लेंगे एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, ये केवल और केवल लिमिटेड केसेस में चेंज होती है, तो यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक ब्रैकेट में ड्रॉइंग ऑफ कैपिटल, ड्रॉइंग ऑफ कैपिटल, और बाय द एंड ऑफ डे यहाँ पर आ जाता है हमारे पास टू बैलेंस सी डी क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, उसके बाद लिखेंगे हम लोग करंट अकाउंट, करंट अकाउंट या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, करंट अकाउंट केवल लिखेंगे करंट अकाउंट, करंट अकाउंट इज मेंटेन्ड, करंट अकाउंट इज मेंटेन्ड, करंट अकाउंट इज मेंटेन्ड व्हेन कैपिटल कैपिटल कीप्स ऑन, कीप्स ऑन चेंजिंग, keeps on changing pertaining to distribution of profits or drawing of capital or profit, ठीक है, करंट अकाउंट इज मेंटेन्ड व्हेन कैपिटल कीप्स ऑन चेंजिंग ऑन पर्टेनिंग ऑन कीप्स ऑन चेंजिंग पर्टेनिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और ड्राइंग ऑफ कैपिटल और प्रॉफिट, ठीक है। इन सिंपल सेंस और इन सिंपल वर्ड्स, व्हेन व्हेन पार्टनर्स, when partners has made fixed capital account they also make current account, they also make current account but in current account capital keeps on changing when profit is distributed or amount is withdrawn,
अमाउंट इज विड्रॉन। फिर बनाएंगे हम लोग फॉर्मेट। बेफिक्र रहो, अगर किसी का कुछ छूट जाएगा तो मैं आपको दूंगा मौका कॉपी करने का। वेटिंग कैपिटल चेक, पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए एंड बी। यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी, ये ओपनिंग बैलेंस हो गया। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय सैलरी, अज्यूमिंग कि केवल ए को मिलती है बी को नहीं मिलती, बाय कमीशन, अगेन अज्यूमिंग ए को नहीं मिलती बी को मिलती है, बाय प्रॉफिट दोनों को मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन लिखेंगे हम लोग, ब्रैकेट में लिख लेते हैं प्रॉफिट। उसके बाद टू ड्राइंग्स, टू ड्राइंग्स ये ड्राइंग ऑफ प्रॉफिट है, ड्राइंग ऑफ प्रॉफिट है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में यहाँ पे लॉस, नोट हो जाए तो थम्स अप कर देना, नोट हो जाए तो थम्स अप कर देना। तनिषा ने कर लिया, ठीक है। केवल तनिषा ने किया अभी तक, मधु ने भी कर लिया, भूमिका ने भी कर लिया,
आई गेस आकांक्षा ने भी कर लिया होगा, आकांक्षा एंड सलोनी। आकांक्षा ने भी कर लिया, ठीक है ओके वेरी गुड। ठीक है अब हम लोग जितनी भी बातें की हैं इसे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है इसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि सारी बातें हम लोगों ने क्या करी है। अब ध्यान से सुनना, अपने कॉपी पेन वगैरह सब चीजें छोड़ दो और केवल सुनो। देखो भाई हमारे पास पार्टनर्स है, सपोज करो ए और बी पार्टनर्स है, ठीक है। अकाउंटेंट साहब जरा ध्यान लगाए, अकाउंटेंट साहब जरा ध्यान लगाए, ए और बी पार्टनर्स हैं और इन्होंने फर्म में पैसा लगाया, ठीक है इन्होंने फर्म में पैसा लगाया। ए और बी ने कितना पैसा लगाया, सपोज करो इसने 1 लाख रुपए लगाए एज कैपिटल और इसने 2 लाख रुपए लगाए एज कैपिटल, ठीक है इसने कितने रुपए लगाए, 2 लाख रुपए लगाए एज कैपिटल। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि यहाँ पर पार्टनर्स के पास इनके क्रेडिट अकाउंट में यानी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट जो है इनके कैपिटल अकाउंट में कितने रुपए पड़े होंगे, इसके पास पड़ा होगा 1 लाख रुपए, इसके पास पड़ा होगा 2 लाख रुपए, ठीक है। अब क्या होता है, कैपिटल अकाउंट ही तो है, कैपिटल अकाउंट ही तो है। अगर पार्टनर्स कोई प्रॉफिट कमाते हैं, अगर पार्टनर्स कोई प्रॉफिट कमाते हैं तो वो क्या होगा, वो इनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। सपोज करो 1 लाख रुपीज और 1 लाख रुपीज दोनों को क्रेडिट हो गए, ठीक है। इस तरीके से अगर कुछ सैलरी या कमीशन कमाते हैं तो भी वो इनके क्रेडिट अकाउंट इनके पास क्रेडिट हो जाता है। लेकिन अगर ये कुछ पैसा विड्रॉ करते हैं, अगर ये पैसा कुछ विड्रॉ करते हैं तो वो यहाँ से क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। किस नाम से, ड्रॉइंग के नाम से, ठीक है। अब लेट्स से ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है हमारे पास इसने कर लिए 2 लाख रुपए विड्रॉ और इसने कर लिया 1 लाख रुपए विड्रॉ, ठीक है। आप जरा बात की गंभीरता को समझना अकाउंटेंट साहब मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो साल के शुरुआत में इन्होंने जो कैपिटल लगाई वो थी 1 लाख और 2 लाख, अब तक बात में कोई परेशानी नहीं है। फिर साल के दौरान इन्होंने कुछ पैसा कमाया, अब तक भी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन परेशानी तब हुई जब इन्होंने ड्राइंग्स कर ली, जब इन्होंने क्या कर लिया, ड्राइंग्स कर ली, तब एक छोटी सी परेशानी उठ गई कि इसके अकाउंट में जो बैलेंस बचा वो बचा 0 और इसके अकाउंट में जो बैलेंस बचा वो बचा 1 लाख, ठीक है नहीं 2 लाख, सॉरी 2 लाख। और यहाँ पे ए और बी में बी भड़क गया, बी भड़क गया, देखो बी आग बबूला हो गया, देखो कितना गुस्से से उसकी आंखें लाल लाल हो गई हैं, ठीक है गुस्से से उसकी आंखें लाल लाल हो गई हैं, ये चिढ़ गया, कह रहा है ये क्या बदतमीजी है, तुम्हारे अकाउंट का बैलेंस 0 और मेरे अकाउंट का बैलेंस 2 लाख रुपए, भाई तुमने इतनी ज्यादा ड्राइंग कर ली कि तुम्हारा अकाउंट 0 ही हो गया। क्या आप लोगों को नहीं लगता कि अब ये सारी की सारी कंपनी में जो पैसा लगा हुआ है वो केवल बी का लगा हुआ है, इससे यस और नो प्लीज चैट बॉक्स में आए और मुझे बताएं कि आपको नहीं लगता कि इस तरीके से ड्राइंग करने की वजह से ए ने अपना सारा पैसा ही निकाल लिया जबकि बी का पैसा लगा हुआ है और केवल वो ही रेस्पॉन्सिबल हो रखा है, बोलो हाँ या ना। अकाउंटेंट साहब जवाब देना सीखो, आगे चल के आपको पूरी कंपनी संभालनी है। सलोनी कहती है यस, तनीषा कहती है यस, और जो अकाउंटेंट नहीं बनेंगे जो केवल रट्टा मार के पढ़ने वाले हैं उनसे मैं हाथ जोड़ लूंगा। मधु कहती है यस, और बाकी अभी भूमिका और आकांक्षा ये दो लोग हैं, ये दोनों लोग नालायक अकाउंटेंट बनेंगे, ये लोग कंपनी में दिमाग लगाएंगे ही नहीं। जल्दी बताओ मुझे, तुम्हारे आंसर्स का वेट है। खैर तो आकांक्षा ने भी फाइनली यस कह दिया कि हाँ सर ये तो पूरी की पूरी बी ही चला रहा है, बी का भड़कना बिल्कुल जायज है सर। तो ऐसे में ये पार्टनर्स क्या करते हैं, ऐसे में ये पार्टनर्स एक काम करते हैं, ये कहते हैं कि देखो हम ना
दो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। एक कैपिटल अकाउंट को ये बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल, एक कैपिटल अकाउंट को क्या बोलते हैं? फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना, एक कैपिटल को क्या बोलते हैं? फिक्स्ड कैपिटल। और एक दूसरे वाले को बोलते हैं वो फ्लक्चुएटिंग या फिर करंट कैपिटल। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ठीक है, इसका अब इसका मतलब समझना। ये डील हो गई कि भाई हमने ये जो इनिशियल पैसा इन्वेस्ट किया है, दैट इज 1 लाख एंड 2 लाख, ये फिक्स्ड कैपिटल है, इसको बार बार चेंज नहीं किया जाएगा, ना तो इसमें एक्स्ट्रा पैसे प्रॉफिट के डाले जाएंगे और ना ही इसमें से पैसे निकाले जाएंगे। यानी 1 लाख और 2 लाख रुपए फिक्स कर दिया कि भाई ये पैसा आप लोग बिना किसी स्पेशल सर्कमस्टेंस के नहीं निकालोगे। ठीक है, तो इसीलिए इसे बोला गया फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल क्यों बोल दिया गया? कि भाई प्रॉफिट ऐसे कभी कोई जीरो ना कर दे, कहीं कुछ और ना कर दे, एक अमाउंट को फिक्स रखो ताकि इन दोनों का जो मेंटेनेंस है वो सेम रहे, कंपनी के अंदर जो हिस्सेदारी है वो सेम रहे। ठीक है, तो इस तरीके से इनके कैपिटल अकाउंट्स को हम लोगों ने क्या कर दिया, एक एक लाख और 2 लाख से फिक्स कर दिया। फिर आती है बात कि सर ये जो प्रॉफिट है, ये जो सैलरी है और ये जो कमीशन है, ये कहाँ जाएगा? इसे तो कैपिटल अकाउंट में भेजते हैं। तो हम कहते हैं क्या, कोई बात नहीं, इसके लिए एक दूसरा अकाउंट बना लेते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, जो कि प्रॉफिट के ज्यादा होने पे ज्यादा हो जाएगा, प्रॉफिट के कम होने पे कम हो जाएगा, और इसमें से थोड़ा मोड़ा पैसा निकालो तो भी फर्म के मेन कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी ये जो 2 लाख और 1 लाख की कैपिटल है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये सेम की सेम रहेगी। अब एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करो हमारे पास यहाँ पे सैलरी मिलती है, सैलरी कितनी मिलती है? 20,000, 40,000। कमीशन मिलता है लेट्स से 30-30,000 ईच, ठीक है, एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। प्रॉफिट मिलता है लेट्स से 1 लाख रुपीज ईच। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह जो भी आप सोचना चाहो वो सब मिलता है, और ये लोग कुछ पैसा विड्रॉ कर लेते हैं, ड्रॉइंग कर लेते हैं। कितने रुपए विड्रॉ कर लेते हैं? ये 50,000 रुपये विड्रॉ कर लेता है, ये 50,000 रुपये विड्रॉ कर लेता है। तो आप देख पा रहे हो इस ड्रॉइंग, इस सैलरी, इस कमीशन, इन सब की वजह से हमारे फिक्स कैपिटल अकाउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि इसको हमने बनाया ही सेपरेट है। इसको हम लोगों ने क्या किया है, बनाए सेपरेट है। और यहाँ पे क्या कर लिया था, यहाँ पे एक ही कैपिटल अकाउंट रखा था तो दिक्कत थी, यहाँ पे डर लग रहा था हमारे को। डर किस बात का लग रहा था? कि किसी इंसान ने अगर एकदम से ज्यादा प्रॉफिट निकाल लिया, ठीक है, या सॉरी एकदम से ज्यादा ड्रॉइंग कर ली, तो उसका कैपिटल अकाउंट चेंज हो जाएगा और हो सकता है कि इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाए, हो सकता है इस तरीके की प्रॉब्लम अराइज हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों ने दो कैपिटल अकाउंट बनवा दिए, एक बना दिया फिक्स कैपिटल और एक बना दिया फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अब हालांकि फर्म के ऊपर ऑप्शन होता है, जैसे कि अगर मान लो ये पार्टनर्स आपस में बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, तो ये एक ही अकाउंट बनवा के काम कर सकते हैं, कोई मना नहीं करेगा उन्हें, वो चाहे तो एक ही कैपिटल अकाउंट बने रहने दे, और इसका नाम वो रखेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। इसका नाम क्या रखेंगे? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। क्यों रखेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल? क्योंकि यहाँ पे कैपिटल बढ़ती और घटती रह सकती है, कभी बढ़ेगी कभी घटेगी। लेकिन अगर उन्हें जरा सा भी डर हुआ, अगर उन्हें जरा सा भी डर हुआ कि भाई कोई ज्यादा पैसा निकाल सकता है, कैपिटल का स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, फर्म का कैपिटल स्ट्रक्चर बिगड़ सकता है, तो वो क्या करेंगे, इसे मेंटेन करने के लिए एक फिक्स्ड कैपिटल रख देंगे जहाँ पे पैसा केवल और केवल स्पेशल सर्कमस्टेंस में चेंज होगा, और एक फ्लक्चुएटिंग रख देंगे जहाँ पे प्रॉफिट के आने और जाने और छोटी मोटी ड्रॉइंग करने, प्रॉफिट की ड्रॉइंग करने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब एक और बात आती है हमारे पास कि सर क्या फिक्स कैपिटल अकाउंट कभी चेंज नहीं होता? तो जवाब है होता है दोस्तों, बिल्कुल होता है। अगर ये दोनों लोग एडिशनल कैपिटल ले आए, लेट्स से 50,000 की और 50,000 रुपीज की, अगर ये एडिशनल कैपिटल ले आए, मार्क माई वर्ड, एडिशनल कैपिटल लेके आ गए, तो इनकी कैपिटल यहाँ पर चेंज हो जाएगी। फिर तो सिंपल सी बात है ना कि इनका कैपिटल बढ़ जाएगा। और कई कई बार ये लोग कैपिटल ड्रॉइंग कर लेते हैं, जैसे यहाँ तो इन्होंने ड्रॉइंग ऑफ प्रॉफिट किया, यहाँ तो उन्होंने प्रॉफिट निकाल के लेके गए, ठीक है, ये प्रॉफिट था जो कि उन्होंने निकाल लिया,
लेकिन दूसरी जगह पे क्या हो सकता है, यहाँ पर वो कैपिटल ड्राइंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं टू ड्राइंग, और ये ड्राइंग कब होती है, ये होती है हमारी कैपिटल ड्राइंग। कैपिटल ड्राइंग का मतलब वो ड्राइंग जो कि आपके कैपिटल को ही कम कर दे, जैसे एडिशनल कैपिटल कैपिटल बढ़ा देता है, वैसे ही कैपिटल ड्राइंग कैपिटल घटा देती है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि सपोज करो 20,000 एंड 20,000 रुपीज इन्होंने निकाल लिए, तो इससे क्या होगा, इससे इनकी फिक्स कैपिटल भी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। लेकिन ये है स्पेशल सर्कमस्टेंस, यानी ड्रॉइंग ऑफ कैपिटल और एडिशनल कैपिटल, ये दो इवेंट, एडिशनल कैपिटल, ये है दोस्तों स्पेशल सर्कमस्टेंस। स्पेशल सर्कमस्टेंस का मतलब क्या, एडिशनल कैपिटल भी इतनी फ्रिक्वेंटली नहीं लाई जाती है और कैपिटल ड्रॉइंग भी इतनी फ्रिक्वेंटली नहीं की जाती है, ये किसी स्पेशल सर्कमस्टेंस में की जाती है। अगर ये स्पेशल सर्कमस्टेंसेज ना हो तो फिक्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस थ्रू आउट द ईयर चेंज नहीं होता, एज इट इज रहता है, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का बैलेंस प्रॉफिट आने पे बढ़ता और प्रॉफिट के निकल जाने पे घटता रहता है। बात समझ में आ गई? हाँ, तो ये था हमारे पास फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का हिसाब किताब। आप लोग चैट बॉक्स में आए और मुझे बताएं क्लियर या फिर नॉट क्लियर, नॉट क्लियर वाले डाउट लिखेंगे, ठीक है, नॉट क्लियर वाले डाउट लिखेंगे, मधु कहती हैं सर क्लियर, तनीषा कहती हैं क्लियर, भूमिका कहती हैं क्लियर, ठीक है दोस्तों, बेझिझक डाउट पूछा करो क्योंकि ये ट्यूशन है, आप लोगों के स्कूल की क्लास नहीं। आकांक्षा कह रही क्लियर, हाँ आप बेझिझक डाउट पूछा करो, ये ट्यूशन क्लास है जहाँ पे आपको, हाँ सलोनी ने पूछा है फाइनली डाउट, ठीक है, जहाँ पे आपको क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, अदरवाइज ट्यूशन की जरूरत ना पड़ती, ठीक है, आप अपने कंसेप्ट टाइट करने आए हो तभी तो ट्यूशन है, ठीक है, तो इसलिए अपने डाउट पूछा करो। और इसीलिए मैं आपको रियल अकाउंटिंग से जोड़ने की कोशिश करता हूँ, जो एक्चुअल सर्कमस्टेंसेज होते हैं, ना कि रटंत याद करा दूं। मैं आपको रटंत भी याद करा सकता था कि देखो दोस्तों हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक फिक्स कैपिटल एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, इसका ये फॉर्मेट होता है, इसका ये फॉर्मेट होता है, इन्हें रट डालो, क्वेश्चन आप कर लेते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसके एसेंस को समझो कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अब सलोनी का डाउट है, सलोनी अपना डाउट पूछो, माइक ऑन करके भी पूछ सकते हो। सर, फिक्स कैपिटल समझा दो। फिक्स कैपिटल अकाउंट वो कैपिटल अकाउंट होता है जो कि चेंज नहीं होता, क्योंकि वर्ड ही है हमारे पास फिक्स, ठीक है, चेंज नहीं होता। ये फिक्स कैपिटल अकाउंट क्यों बनाया जाता है, ताकि कंपनी के अंदर जो मेन कैपिटल लगी हुई है, जो मेन कैपिटल लगी हुई है उसके प्रपोर्शन में चेंज ना आए, उसके प्रपोर्शन में चेंज ना आए, इसलिए फिक्स कैपिटल अकाउंट को मेंटेन किया जाता है, ठीक है। ये कब नहीं होता? बताया, ये दो सर्कमस्टेंसेस में चेंज हो सकता है, एक जब एडिशनल कैपिटल लेके आई जाए या फिर कैपिटल को विड्रॉ कर लिया जाए, ये केवल दो सर्कमस्टेंस में चेंज होता है, अदरवाइज चेंज नहीं होता, ओके। ठीक है। हाँ अब क्या होता है, कई कई बार ना कुछ फर्म को लगता है कि यार फिक्स कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेंटेन करना सिरदर्दी है, इससे बढ़िया हम लोग एक ही काम कर ले, इससे बढ़िया हम लोग एक ही काम कर ले, तो वो बना लेते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या करते हैं, वो इन दोनों का डिफरेंस खत्म कर देते हैं और इन दोनों अकाउंट को मर्ज करके बना देते हैं, इन दोनों अकाउंट को क्या कर देते हैं, मर्ज करके बना देते हैं। और मर्ज करके बनाएंगे तो कुछ नहीं होगा, कुछ इस तरीके का फॉर्मेट दिखेगा आपको। वैसे मैं आपको बता देता हूँ मर्ज करके कैसा लगेगा, ये वाला अकाउंट देख रहे हो, ये वाला अकाउंट और ये वाला अकाउंट, ये दोनों मर्ज हो जाएंगे। तो इसी बहाने मैं आपको दोबारा से एक चीज समझा दूंगा, आओ जरा देखो, फिक्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट जब मर्ज होते हैं और फ्लक्चुएटिंग मेथड रह जाता है तो क्या होता है। भाई देखो, अगर फर्म मेंटेन कर रही है फिक्स कैपिटल अकाउंट तो वो बनाएगी ये वाला अकाउंट जो मैं ऊपर बना रहा हूँ, और अगर वो मेंटेन करती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट तो वो बनाएगी नीचे वाला अकाउंट, मैं नीचे बना रहा हूं, ठीक है, तो इसमें फिक्स कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल आपको रिवाइज हो जाएगा। फिक्स कैपिटल अकाउंट में यहां पे क्या आता है, बाय
बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी, ये ओपनिंग बैलेंस है दोस्तों, ठीक है, ये क्या है, ओपनिंग बैलेंस, ये वैल्यू आ गई। फिर यहां पर आता है हमारे पास एडिशनल कैपिटल, जो कि हम बैंक के थ्रू क्या करेंगे, डालेंगे, तो बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में आ जाएगा एडिशनल कैपिटल, ये आपको नोट नहीं करना है, ठीक है, ये आपको नोट नहीं करना, एडिशनल कैपिटल, ठीक है, ये आ गया आपका एडिशनल कैपिटल। यहां पे आता है आपका टू बैंक, और ये कैपिटल की विड्रॉइंग है, ठीक है, कैपिटल विड्रॉइंग या कैपिटल ड्रॉइंग्स, यानी कैपिटल ही निकाल ली थोड़ी सी, और यहां पर आता है हमारे पास टू बैलेंस सीडी, ये हमारा कौन सा कैपिटल हो गया, ये हो गया हमारा फिक्स कैपिटल का बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। इसी तरीके से नीचे वाले कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, इसका भी एक बैलेंस होता है बाय बैलेंस बीडी, इसका भी एक ओपनिंग बैलेंस होता है, कोई भी इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा, मैंने बताया था प्रॉफिट कभी भी डिवाइड होगा तो फिर वो कहाँ डाल देते हैं, वो लोग करंट अकाउंट में डालते हैं, ठीक है ना। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि फिक्स कैपिटल अकाउंट को हम लोग एक बार बना के, यानी उसका ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस बनाने के बाद उसे छेड़ते नहीं है, फिर अगर प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट जा रहा है, तो उसके लिए करंट अकाउंट को छेड़ा जाता है, तो यहाँ पर आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि ये प्रॉफिट ही बढ़ रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर बाय सैलरी, प्रॉफिट ही बढ़ रहा है तो इसलिए करंट अकाउंट डील किया जाएगा, बाय कमीशन, ठीक है, करंट अकाउंट डील किया जाएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ब्रैकेट में प्रॉफिट, करंट अकाउंट डील किया जाएगा। इसी तरीके से हो सकता है कुछ ड्रॉइंग ऑफ प्रॉफिट हो, यहाँ पे मैं ड्रॉइंग ऑफ प्रॉफिट लिख रहा हूँ, यानी प्रॉफिट निकाल के लेके चले गए, तो वो यहाँ आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यहाँ आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यहाँ आएगा, ठीक है, ये दो बना दिए। अब क्या हुआ दोस्तों, अगर कंपनियों को ये लगता है कि यार ये दो अकाउंट बनाना बड़ी मेहनत का काम है, तो कई कई बार वो एक ही अकाउंट बनाते हैं, यानी फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग अलग अलग ना बना के केवल और केवल फ्लक्चुएटिंग बनाते हैं, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड कुछ भी नहीं है, फिक्स कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल को मिक्स कर दो तो वो फ्लक्चुएटिंग ही रह जाता है, क्योंकि कैपिटल अब बार बार बदलेगी, तो इसको और इसको अगर आप मर्ज कर दो इन दोनों अकाउंट को, तो एक ही कैपिटल रह जाएगी, दैट इज फ्लक्चुएटिंग, दैट इज फ्लक्चुएटिंग, ठीक है, बस यही होता है हमारे पास फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, और कुछ नहीं होता। जहां पे हमारे पास फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल एक साथ बन जाए तो क्या मेथड रह जाता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, बस खत्म, और कुछ भी नहीं है, ये लो, ठीक है। तो मैं यही बता रहा था आप लोगों को कि इसमें फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल को मर्ज कर दें तो हमारे पास क्या बन जाता है, केवल और केवल एक अकाउंट, दैट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और इसमें एंड में बैलेंस सीडी निकालते हैं हम लोग, ठीक है, और ये जो सीडी है ये अब चेंज होता रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने खुद ही फिक्स और फ्लक्चुएटिंग को मर्ज किया है, तो अब तो चेंज होता रहेगा बार बार बैलेंस, इसीलिए ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का बैलेंस सीडी होगा। अब मुझे आप लोग चैट बॉक्स में आओ और मुझे बताओ चीजें क्लियर हैं या नहीं क्लियर, किसी को डाउट है कुछ पूछना है तो मुझे बता देना। सलोनी कहते हैं क्लियर, तनिषा कहते हैं क्लियर, ठीक है, आकांक्षा कहते हैं क्लियर, मधु कहती है क्लियर, ठीक है, एक लड़की रह गई है भूमिका।